फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीज क्विजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं प्याजो तरकारी। इट इज नथिंग बट ऑनियन करी। ये रेसिपी मैंने अपनी बड़ी जेठानी से सीखा था, सो दिस रेसिपी इज डेडिकेटेड टू हर। तो चलिए बनाते हैं ये इजी और यमी रेसिपी। इसके लिए मैंने ऑनियन को स्लाइसेस में ले लिया है, उसके साथ सॉल्ट, हल्दी, कड़ी पत्ता, फिर धनिया पत्ता, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, पानी, और तड़के में मैंने लिया है रेड चिली, सरसों, जीरा, हींग और कलौंजी, थोड़ा सा बेसन, और चना दाल को मैंने भिगो के रख दिया है, और उसके साथ ऑयल। अभी तेल गरम हो गया है, मैंने तड़के के सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया है। कलौंजी आप थोड़ा ऐड कीजिए फ्रेंड्स, करी में तो बहुत हेल्दी रहता है ये। उसके साथ मैं अभी ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक पेस्ट और कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। ये मेरे होम गार्डन का है और इसको थोड़ा मैं सॉटे कर दूंगी। और उसके साथ मैंने अभी ये ऑनियन स्लाइसेस ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर दूंगी ताकि ऑनियन से पानी निकल जाए। और इसके साथ मैंने चना दाल ऐड कर दिया है, और सारा हमारा जो स्पाइसेस है वो सब भी मैंने डाल दिया है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा कुक होने देते हैं। ये करी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है फ्रेंड्स, बनाना बहुत टेस्टी रहता है। कभी आपका कोई सब्जी नहीं है तो आप ये करी बना सकते हैं। ये इजीली राइस, रोटी, पूरी के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में हाई फ्लेम में एक सीटी लगा दीजिए और तुरंत व्हिसल निकाल दीजिए। ऑनियन हमारा थोड़ा कुक हो गया है। अब इसमें मैं गरम पानी ऐड कर दूंगी। हमेशा आप गरम पानी ही ऐड कीजिए। जो हमारा नॉर्मल पानी रहता है, गरम पानी ऐड करने से हमारा जो मसाला है अच्छे से अब्जॉर्ब होता है ठंडे पानी के बदले। और इसको हम लोग थोड़ा बॉईल करेंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ, और मैंने बेसन का एक घोल बनाया है बेसन और पानी मिला के, और इसको मैं अभी इसमें स्टियर कर दूंगी। इससे क्या होगा, हमारा ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको डाल रही हूँ और स्टियर कर रही हूँ, नहीं तो गुटली बन जाएगा। और इसको थोड़ी देर हम लोग कुक होने देते हैं और हमारा ग्रेवी थिक हो जाएगा। और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता। देखिए ग्रेवी कितना थिक हो गया है। अभी आप भी ये बनाइए और मुझे बताइए कि आपका प्याज और तरकारी कैसे बना।